ओम शांति। आज 24 जून 2020 के महावाक्य हैं। हाँ, जैसे कि हमें पता है कि आज ममा डे है और ममा डे को विशेष ममा के महावाक्य चलते हैं, तो आज भी हम ममा के द्वारा सुनाए गए अनमोल महावाक्य सुनेंगे। ये रिवाइज्ड कोर्स है 26 अप्रैल 65 का। सार है महावाक्यों का, आप आत्माएं जब स्वच्छ बनो तब ये संसार सुखदाई बने। दुखों का कारण 5 विकारों के वशीभूत होकर किए गए कर्म है। गीत है, जाने न नजर पहचाने जिगर। ये गीत थोड़ा सुना देती हूँ। जाने न नजर पहचाने जिगर, ये कौन जो दिल में आया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। ओम शांति। मामा कहते, अपने बेहद बाप की महिमा सुनी। किसकी महिमा है गीत में? बेहद बाबा की महिमा। कॉमन मनुष्य की ऐसी महिमा नहीं हो सकती है, ये उसी एक की महिमा है जो इस महिमा का अधिकारी है, क्योंकि उनकी महिमा उनके कर्तव्य अनुसार गाई जाती है। बाबा जब आते तो आत्माओं को खुशी से, उमंग से, पवित्रता से भर देते, और ऐसी भरपूर आत्मा के द्वारा उसके दिल से निकला हुआ ये गीत है। तो बाबा कहते, तो मामा कहती, ये उसी एक की महिमा है जो इस महिमा का अधिकारी है, क्योंकि उनकी महिमा उनके कर्तव्य अनुसार गाई जाती है। उनका कर्तव्य सब मनुष्य आत्माओं से महान है, क्योंकि सभी मनुष्य आत्माओं के लिए ही उनका कर्तव्य है। सब मनुष्य आत्माओं के लिए उनका कर्तव्य है। ऐसी कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं जो परमात्मा कर्तव्य को कर सके। हर आत्मा, चाहे वो धर्म आत्मा है, चाहे देव आत्मा, चाहे साधारण आत्मा, चाहे महात्मा, हर आत्मा के प्रति बाबा आकर ये कर्तव्य करते। उनको उमंग उत्साह से भरना, उनके दुख हरना, उनको पवित्र स्वच्छ बनाना। तो बाबा कहते, इसलिए किसी मनुष्य आत्मा की ये महिमा नहीं हो सकती। तो सबसे ऊंचा हो गया ना, क्योंकि सब के लिए, सब का गति सदगति दाता एक है। ऐसे नहीं कहेंगे कि थोड़ों की गति सदगति की, वो है सर्व का गति सदगति दाता, सर्व का। तो सबकी अथॉरिटी हो गई ना, तो बाबा कौन हो गए? सबसे ऊंचे थे ऊंच। वैसे भी कॉमन तरह से देखा जाए तो महिमा तभी होती है जब कोई कर्तव्य करता है। जिन्होंने कुछ न कुछ, थोड़ा बहुत ऐसा काम किया है, तो उनकी देखो महिमा है। दुनिया में भी जिनकी भी कोई महिमा गाते हैं तो क्या पूछते हैं उनको, इन्होंने ऐसा क्या किया जो आप इनकी इतनी महिमा करते हैं? तो बाबा के, तो मामा कहती कि दुनिया की रीति से भी महिमा उन्हीं की होती है जो कुछ न कुछ कर्तव्य करते हैं।
तो मामा कहते हैं कि आज तो बाप की भी जो महिमा है कि वो ऊंचे से ऊंचा है, तो ज़रूर उसने यहाँ आ करके महान कर्तव्य किया है और वो हमारे लिए मनुष्य सृष्टि के लिए महान ऊंच कर्तव्य किया, क्योंकि इस सृष्टि का हर्ता कर्ता उसे कहा जाता है। हर्ता भी कहते हैं और कर्ता भी कहते हैं। तो बाबा ने जो दुख हरे हैं और जो हम आत्माओं को स्वच्छ बनाने का कर्तव्य किया है पूरी सृष्टि के लिए, इसीलिए पूरी सृष्टि में बाबा की महिमा होती है। तो उसने आ करके मनुष्य सृष्टि को ऊंच बनाया है, प्रकृति सहित सबको परिवर्तन में लाया है, लेकिन किस युक्ति से लाया है, है ना, किस विधि से, किस युक्ति से ये परिवर्तन में लाया है, वो समझने की बात है। मामा के बारे में ये कहा जाता था कि जैसे चिड़िया अपने चूजों के मुख में टुकड़ा टुकड़ा कर रोटी का डालती है ताकि वो अच्छे से उसको चबा सके और उसको अंदर पचा सके, क्योंकि पूरी मोटा मोटी रोटी या बड़ा पीस तो नहीं खा पाते। तो ऐसे ही बाबा के जो महावाक्य हैं, बाबा का कर्तव्य, बाबा के बारे में, बाबा के कार्य के बारे में, गुणों के बारे में, हर चीज़ का स्पष्टीकरण मामा हम छोटे बच्चों को इस रूप से देती थी, बिल्कुल ब्रेक कर करके छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि अच्छे से बच्चों को डाइजेस्ट हो जाए। तो मामा की आज के महावाक्य भी यही सुना रहे हैं कि एक बाबा सर्व आत्माओं के लिए कर्तव्य करते हैं और दूसरा कि वो किस विधि से करते हैं। तो मामा कहते कि किस युक्ति से ये परिवर्तन लाया है सब में, वो बैठ करके समझाते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं है, पहले मनुष्य आत्मा आत्मा को चेंज लाने से, फिर आत्मा के बल से, अपने कर्म के बल से, फिर ये सब प्रकृति तत्व आदि पर भी उनका बल काम करता है। ऐसा नहीं कि मनुष्य आत्मा स्वयं को परिवर्तन कर ले और फिर प्रकृति जो है वो परिवर्तन हो जाए, ऐसा नहीं होता। मामा कहते बनाने वाला तो वो हो गया ना, इसलिए बनाने वाला वो, परंतु बनाते कैसे हैं, कैसे बनाते, जब तक मनुष्य आत्मा ऊंची ना बने तब तक आत्मा के आधार से शरीर, प्रकृति तत्व आदि ये सभी नंबरवार उसी ताकत में आते हैं, क्योंकि आत्मा इस पांच तत्वों के शरीर और पांच तत्वों की दुनिया में रहती है। तो जैसे आत्मा की अवस्था होती है वैसे ही शरीर और प्रकृति के पांच तत्वों की ताकत बनती जाती है। आप अगर ध्यान से शरीर को देखेंगे तो ये शरीर पांच तत्वों का एक बैग है। जो प्रपोर्शन इस शरीर में पांच तत्वों का है, एग्जैक्ट वही प्रपोर्शन प्रकृति में भी है। जैसे शरीर में भी 70% पानी है, प्रकृति में भी 70% पानी है। पांच तत्वों में, संसार में 70% पानी है, तो इसी वो सेम रेशियो शरीर का भी है। और आत्मा शरीर में निवास करती है, शरीर के साथ ऑपरेट करती है, प्रकृति के साथ भी। तो बाबा डायरेक्ट प्रकृति का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा प्रकृति को धारण नहीं करते, बाबा शरीर धारण नहीं करते। तो बाबा आकर क्या करते, आत्माओं को स्वच्छ बनाते, क्योंकि आत्माएं स्वयं को स्वच्छ नहीं बना सकती। सतयुगी से कलयुगी तो हम बन जाते,
समय चक्र अनुसार। लेकिन कलयुगी से सतयुगी संस्कार कैसे बने वो आत्मा स्वयं नहीं कर पाती। तो बाबा आत्माओं को स्वच्छ बनाते और आत्मा शरीर और प्रकृति के पांचों तत्वों को सतो प्रधान बनाते। तो मामा बताते कि जब तक मनुष्य आत्मा ऊंची ना बने तब तक आत्मा के आधार से शरीर प्रकृति तत्व आदि ये सभी नंबरवार उसी ताकत में आते हैं। उससे फिर सारी सृष्टि हरी भरी सुखदाई बनती है। अब मामा कहती तो मनुष्य सृष्टि को सुखदाई बनाने वाला बाप जानता है कि मनुष्य सृष्टि सुखदाई कैसे बनेगी। जब तक आत्माएं स्वच्छ नहीं बनी हैं तब तक संसार सुखदाई नहीं हो सकता है। इसलिए वो आ करके पहले पहले आत्माओं को ही स्वच्छ बनाते हैं। कल भी बाबा ने कहा था ना, सब वनोत्सव मनाते हैं और बाबा मनुष्यों का वनोत्सव मनाते हैं। मनुष्यों के सृष्टि रूपी वृक्ष को, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को पहले नवीन बनाते हैं, क्योंकि मनुष्यों की जो अवस्था है, जो मनुष्य आत्माओं की क्वालिटी है, वही प्रकृति की क्वालिटी बनती है। इसलिए ये युक्ति आज मामा स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि हर आत्मा को आज ये तो होना है कि प्रकृति सतो प्रधान बने, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मनुष्य आत्मा की स्वच्छता और प्रकृति की सतो प्रधानता कनेक्टेड है। तो बाबा क्या करते हैं, जब तक आत्मा ही स्वच्छ नहीं बनी है तब तक संसार सुखदाई नहीं हो सकता है। इसलिए वो आ करके पहले पहले आत्माओं को ही स्वच्छ बनाते हैं। अभी आत्मा को इम्प्योरिटी लगी है, अस्वच्छता, पहले उस इम्प्योरिटी को निकालना है, फिर आत्मा के बल से हर चीज़ से उनकी तमो प्रधानता बदल करके सतो प्रधानता होगी, जिसको कहेंगे कि सभी गोल्डन एजेड में आ जाते हैं। तो ये तत्व आदि सब गोल्डन एजेड स्टेज में आ जाते हैं। कैसे, जब आत्मा अस्वच्छता से स्वच्छता में आते हैं। परंतु पहले आत्मा की स्टेज बदलती है। तो आत्माओं का बदलाने वाला अर्थात आत्माओं को प्योरिफाइड बनाने वाला फिर अथॉरिटी वो हो गया, क्योंकि आत्मा को और कोई पवित्र नहीं बना सकता। मनुष्य आत्मा को पवित्र नहीं बना सकती, क्योंकि सभी पतित बन जाते हैं। मनुष्य आत्मा और परमात्मा में सबसे बड़ा अंतर क्या, मनुष्य आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, और जो जन्म मरण के चक्र में आता वो सतो प्रधान से सतो रजो तमो बन ही जाता। और एक बाबा है जो चक्र में नहीं आते, तो वो एवर प्योर रहते, इसीलिए वो अस्वच्छ को स्वच्छ बना सकते। तो मामा स्पष्ट करते कि तुम देखते हो ना कि अभी दुनिया बदलती जा रही है। पहले तो अपने को बदलना है। जब हम अपने को बदलेंगे तब उसके आधार से दुनिया बदलेगी। अगर अभी तक हमारे में फ़र्क नहीं आया है, अपने को ही नहीं बदला है, तो फिर दुनिया कैसे बदलेगी। अगर अपने में फ़र्क नहीं आया तो दुनिया कैसे बदलेगी। इसलिए अपनी जांच रोज़ करो। जैसे पोतामेल रखने वाले जो व्यापारी होते हैं, वो पोतामेल रखने वाले रात को अपना खाता देखते हैं ना कि आज
क्या जमा हुआ, है ना, जमा में क्या क्या देखना होता है, क्रेडिट भी डेबिट भी, कमाई कितनी की, नुकसान कितना किया। कई बार बच्चों को ना ठीक से हिसाब करना नहीं आता, तो कमाई का तो हिसाब कर लेते हैं पर नुकसान का नहीं करते, कई फिर नुकसान का बहुत हिसाब करते हैं कमाई नहीं करते। तो इसीलिए अगर कमाई का बहुत हिसाब किया पर नुकसान का नहीं किया कि कितनों को दुख दिया, कितना वेस्ट किया, कितना विकर्म बनाया, वो हिसाब नहीं किया, सिर्फ ये दिखा मैंने तो मुरली भी सुनी, मैंने तो योग भी किया, मैंने तो सेवा भी की, वो तो की, वो जमा में गया भी, लेकिन फिर नुकसान कितना किया, वेस्ट कितना किया। तो फिर प्रॉपर हिसाब रखने की भी कला आनी चाहिए। तो मामा कहते कि जैसे पोता मेल रखने वाले रात को अपना खाता देखते हैं ना कि आज क्या जमा हुआ, सब अपना हिसाब रखते हैं, तो ये भी अपना पोता मेल रखना है कि सारे दिन में हमारा कितना फ़ायदा रहा, कितना नुकसान रहा, फ़ायदे का भी हिसाब, नुकसान का भी हिसाब। अगर नुकसान में कुछ ज़्यादा गया तो फिर दूसरे दिन के लिए खबरदार रहना है। इसी तरह से अपना अटेंशन रखने से फिर हम फ़ायदे में जाते जाते नुकसान को मिनिमाइज़ करते जाएंगे, फ़ायदे को बढ़ाते जाएंगे, तो फ़ायदे में जाते जाते अपनी जो पोजीशन है उसको पकड़ते चलेंगे, धीरे धीरे फ़ायदे में जाते जाते अपनी जो ऊँचे ते ऊँची अवस्था है, अपनी संपूर्ण अवस्था की तरफ चल पड़ेंगे। तो ऐसी जांच रखते अपने को बदला हुआ महसूस करना चाहिए। ऐसे नहीं हम तो देवता बनेंगे, वो तो पीछे बनेंगे, अभी जैसे हैं वैसे ठीक हैं, नहीं, अभी से वो देवताई संस्कार बनाने हैं। संसार का आधार संस्कार है, यदि संस्कार ही नहीं बनाएंगे देवताई, तो देवताई संसार कैसे बनेगा। अभी तक जो पांच विकारों के वश संस्कार चलते थे, अभी देखना है कि उन विकारों से हम छूटते जा रहे हैं। हमारे में जो क्रोध आदि था वो निकलता जा रहा है। कर्म तो हर आत्मा को करना है, कर्म क्षेत्र में है ना, पर हमारे कर्मों का आधार क्या है, क्या हमारे किसी से मीठा रहने का आधार मोह है, लोभ है, स्वार्थ है, या किसी से कड़वा रहने का आधार क्रोध है, या किसी से मीठा रहने का आधार काम विकार है, ये हमें चेक करना है। क्योंकि दुनिया में भी लोग कभी मीठे कभी कड़वे रहते हैं, लेकिन हम आत्माएं मीठे रहते हैं सदा, और मीठे रहने का भी जो आधार है वो हमारे गुण हैं, हमारी स्मृति है कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, मेरे गुण क्या है, मेरा निजी स्वभाव क्या है, इस आधार से मीठे रहना है। कड़वे तो रहना नहीं है, दुनिया में तो लोग कड़वे भी रहते, लेकिन हमें मीठे भी रहना है पर उसका आधार भी चेक करना है। ऐसा ना हो कि मीठे तो रह रहे हैं लेकिन पीछे कोई स्वार्थ है, मोह है, लोभ है, या काम की आस है जिसके कारण से मीठे रह रहे हैं, तो ये चेक करना है। तो मामा कहते कि अपने हर कर्म को चेक करना है कि कोई विकारों के वश तो कर्म नहीं हो रहा। तो मामा कहते आज कि अभी देखना है कि उन विकारों से हम छूटते जा रहे हैं, हमारे में जो क्रोध आदि था वो निकलता जा रहा है, लोभ या मोह आदि जो था वो सब विकारी संस्कार बदलते जा रहे हैं,
अगर बदलते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, तो मानो हम बदलते जा रहे हैं, है ना? क्योंकि हमारे संस्कार ही हमारी पहचान है। अगर नहीं छूटते हैं तो समझो कि अभी हम बदले नहीं हैं। तो बदलने का फर्क महसूस होना चाहिए, अपने में चेंज आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सारा दिन विकारी खाते में ही चलते रहें, बाकी समझें कि हमने अच्छा कोई दान पुण्य किया बस, जैसे भक्ति में भी करते थे ना कि कर्म तो सारे विकारों के आधार से ही, पर कुछ दान पुण्य कर दिया और सोचा कि विकर्म का खाता दान पुण्य के खाते से बैलेंस हो गया। तो मामा कहते नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारा जो कर्म का खाता चलता है उसी में हमको संभलना है। हम जो कुछ करते हैं उसमें किसी विकार के वश हो अपना विकर्मी खाता तो नहीं बनाते हैं, इसमें अपने आप को संभालना है। चेक एंड चेंज, ये सारा पोतामेल रखना है। और सोने से पहले 10-15 मिनट अपने को देखना चाहिए कि सारा दिन हमारा कैसे बीता। कई तो नोट भी करते हैं, क्योंकि पिछले पापों का जो सिर पर बोझ है उसे भी मिटाना है। उसके लिए बाप का फरमान है, मुझे याद करो, तो वो भी हमने कितना समय याद में दिया। तो एक पॉइंट तो ये चेक करनी है कि फ़ायदा कितना किया, नुकसान कितना किया, और फिर फायदे में ये भी चेक करना है कि जो पुराना विकर्मी खाता है उसको दग्ध करने के लिए बाबा की याद में कितना समय रहे। क्योंकि ये चार्ट रखने से दूसरे दिन के लिए सावधान रहेंगे। ऐसे सावधान रहते रहते फिर सावधान हो जाएंगे, फिर हमारे कर्म अच्छे चलते चलेंगे, है ना? क्योंकि चेक एंड चेंज फिर संस्कार बन जाएगा। फिर जो संस्कार बनाए वो ऑटोमेटिक वैसे ही चलते रहेंगे, और फिर ऐसा कोई पाप नहीं होगा। तो पापों से ही तो बचना है ना। हमको इन विकारों ने ही बुरा बनाया है, विकारों के कारण ही हम दुखी हुए हैं। दुख का कारण क्या है? विकार है। श्रेष्ठ कर्म और भ्रष्ट कर्म, कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन श्रेष्ठ कर्म करने का फल है सुख और भ्रष्ट कर्म करने का फल है दुख। भ्रष्ट कर्म मतलब विकारों के अधीन होकर किए गए कर्म, और श्रेष्ठ कर्म मतलब आत्मा अपने सत्यता में स्थित होकर जो कर्म करती वो श्रेष्ठ कर्म। तो मामा कहते अभी हमें दुख से छूटना है तो यही मुख्य चीज़ है। भक्ति में भी परमात्मा को हम पुकारते हैं, याद करते हैं, जो भी कुछ यत्न करते हैं ये किस लिए करते हैं, भक्ति में क्यों बुलाते हैं भगवान को। कई बार आपको भी कोई पूछते होंगे कि आपको कैसे पता चला कि ये जो आपको आकर पढ़ाते हैं ये भगवान हैं। तो कैसे पता चलता है? क्योंकि चिरकाल से आत्मा की जो आस थी, जिसके लिए भक्ति में हम भटकते थे, पुकारते थे, वो आस किसकी थी? तो मम्मा कहते वो आस थी सुख और शांति की। और जब हम बाबा के बनते और बाबा जो श्रीमत देते उस पर हम चलते, तो आत्मा को अतीन्द्रिय सुख और संपूर्ण शांति का अनुभव होता। इसी से पता चलता कि जिससे मैंने पुकार कर मांगा था वो आकर हमें श्रीमत दे रहे हैं। तो मामा कहते भक्ति में भी जो यत्न करते थे वो किस लिए करते थे?
सुख और शांति के लिए करते हैं ना, तो उसकी ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिस अभी कराई जाती है कि सुख और शांति, शांति होगी शांति धाम में, सुख मिलेगा सुख धाम में। लेकिन शांति धाम और सुख धाम जाने के लिए जो संस्कार चाहिए उनकी प्रैक्टिस अभी करनी पड़ेगी। तो मम्मा कहते ये प्रैक्टिकल करने की कॉलेज है, इसकी प्रैक्टिस करने से हम स्वच्छ अथवा पवित्र बनते जाएंगे। फिर हमारा जो आदि सनातन पवित्र प्रवृत्ति का लक्ष्य है वो हम पालेंगे, है ना। फिर हमारे संस्कार ऐसे हो जाएंगे कि संसार में रहते, प्रवृत्ति में रहते भी पवित्रता रहेगी, और पवित्रता तो सुख शांति की जननी है। जैसे कोई डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी कॉलेज में जाएगा तो डॉक्टरी प्रैक्टिस से डॉक्टर बनता जाएगा, है ना। लेकिन उसको सर्टिफिकेट कब मिलता, जब प्रैक्टिस पूरी हो जाती। तो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके बाद जब प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी तो हमें उपाधि मिल जाएगी, पद मिल जाएगा। इसी तरह से हम भी इस कॉलेज में इस पढ़ाई से अथवा इस प्रैक्टिस से, इन विकारों से अथवा पाप कर्म करने से छूटते स्वच्छ होते जाएंगे। फिर स्वच्छ की डिग्री क्या है, देवता। कितना इजी कर मामा ने आज समझा दिया। ये देवताएं तो गाए हुए हैं ना, उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तो ऐसे कैसे बनेंगे, ऐसे नहीं हम तो बने बनाए हैं, नहीं, बनना है। क्योंकि हम ही बिगड़े हैं, हमको ही बनना है। ऐसे नहीं देवताओं की कोई दूसरी दुनिया है, हम मनुष्य से देवता बनने हैं, हम मनुष्य ही देवता बनने हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है। हम ही आज मनुष्य हैं, हम ही अपने को इस समय परिवर्तन करते हैं श्रीमद पर, और फिर हम ही देवता बन जाते तो यही देवलोक बन जाता। वो देवता ही गिरे हैं, अब फिर चढ़ना है। लेकिन चढ़ने का ढंग बाप सिखला रहे हैं, चढ़ने का ढंग भूल गए हैं, तो चढ़ने का ढंग बाबा आकर सिखलाते हैं। अभी उनके साथ हमें अपना रिलेशन जोड़ना है। अभी बाप ने आकर के रोशनी दी है कि आखिर तुम मेरे हो, अभी मेरे हो करके कैसे रहो। जिससे सब कुछ प्राप्त करना है उससे सर्व संबंध जोड़ने की कला तो आनी चाहिए ना। बिना संबंध के कभी प्राप्ति नहीं होती। तो बाबा कहते बाबा आकर हमें सब युक्तियाँ, सब शक्तियाँ, सब गुण, सब ज्ञान दे रहे हैं, सतयुग का वर्षा दे रहे हैं। अब हमें क्या सीखना है, बाबा का होकर कैसे रहना है। क्योंकि कोई भी संबंध दोनों तरफ से होता है। तो बाबा बाप बना है तो हमें बच्चा बनना तो आना चाहिए ना, बाबा टीचर बना है तो हमें स्टूडेंट बनना तो आना चाहिए। तो बाबा कहते बाबा का कैसे बनकर रहना है वो कला अभी सीखनी है। तो मम्मा बताते अभी बाप ने आकर के रोशनी दी है, आखिर तुम मेरे हो, अभी मेरे हो करके कैसे रहो। जैसे लौकिक में बाप बच्चों का, बच्चा बाप का कैसे होकर रहता है, ऐसे तुम तन मन धन से मेरे हो करके चलो, मेरे बनो। कैसे चलो, उसका आदर्श ये बाबा है, ब्रह्मा बाबा ने सिखाया।
बच्चा कैसे बनना है, स्टूडेंट कैसे बनना है, है ना, शिष्य कैसे बनना है। बाबा डॉक्टर बना है तो बाबा के साथ पेशेंट कैसे बनना है। बाबा बच्चा बना है तो बाबा के लिए माता पिता का रोल कैसे प्ले करना है, जिम्मेवार आत्मा कैसे बनना है। तो बाबा के साथ सर्व संबंध कैसे निभाने हैं, कैसे तन मन धन से संपूर्ण रूपेण बाबा का बनकर चलना है, वो कला ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन से सिखाई है। जिससे और कुछ पूछने की और मूंझने की बात नहीं है, सीधी साफ बात है। तो अभी चलते रहो, ऐसे नहीं सुनो बहुत, ऐसे नहीं सुनो बहुत और धारण करो थोड़ा। ये आज की बहुत बड़ी शिक्षा मम्मा की है, क्योंकि आज जो सबसे बड़ी जो विघ्न है ब्राह्मण परिवार में, मुझे ऐसा लगता है वो यही है कि सुनना बहुत हो गया है और याद धारणा बहुत कम हो गई है। तो मामा भी इस पर इशारा दिलाते, ऐसा नहीं सुनो बहुत और धारण कम करो, नहीं सुनो थोड़ा धारण करो बहुत। क्योंकि ज्ञान सुनने के लिए नहीं है, बनने के लिए है। जो सुनते हो उसको प्रैक्टिकल में कैसे लाएं, उसका पूरा ख्याल रखते रहो, अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते रहो। ऐसे नहीं सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें, नहीं, आज जो सुना उसको अगर कोई प्रैक्टिकल में लाए, बस हम आज से उसी स्टेज में चलेंगे। आज जो श्रीमत मिली उसकी आज धारणा कर लेनी है। विकारों के वश होकर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। आज की धारणा क्या है कि विकारों के वश होकर कर्म नहीं करेंगे और अपनी ऐसी दिनचर्या बनाएंगे, अपना ऐसा चार्ट रखेंगे। अगर इसको कोई प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में लाए तो देखो क्या हो जाएगा, है ना। इतने वर्षों से सुनते हैं, बनते क्यों नहीं है, उसका कारण आज मम्मा ने बहुत स्पष्ट सुनाया। सुनते रहते हैं सुनते रहते हैं, धारणा कुछ भी नहीं। कहते धारणा पर भी क्लास करा दो, याद पर भी क्लास करा दो। अरे ज्ञान सुना, कुछ तो मेहनत खुद करनी पड़ेगी ना। ज्ञान को हजम करना, चिंतन मंथन करना, बाबा की याद में बैठना, दिनचर्या मनचर्या को सेट करना, ये पुरुषार्थ तो स्वयं का होता है। बच्चों की डिमांड आती है, इस पर भी क्लास करा दीजिए, उस पर भी क्लास करा दीजिए। लेकिन बात ये है कि धारणा पर क्लास कराएंगे तो धारणा क्लास कराने वाले को होगी, करने वाले को तो अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। तो ज्ञान की क्लास होती है, फिर उसके आधार से योग, धारणा तो स्वयं करनी होगी ना, पर उस पर कितना अटेंशन देते हैं, इसीलिए बनते नहीं। मम्मा कहती है ना कि क्या क्या बन जाएंगे अगर थोड़ी धारणा की। तो अभी जो कहा ना उसको प्रैक्टिकल में लाना, जो कहते हो जो सुनते हो वो करो, बस दूसरी बात नहीं, सिर्फ करने के ऊपर जोर दो, समझा। जैसे बाप और दादा दोनों को अच्छी तरह से जानते हो ना, ऐसे फॉलो करो। ऐसे फॉलो करने वाले जो सपूत बच्चे हैं अथवा मीठे मीठे बच्चे हैं, ऐसे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। एक दूसरी मुरली भी है, 1957 की मामा की मुरली है। गीत है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। ये गीत दिल से निकलता है कि इस पूरी दुनिया को समेट कर मैंने एक छोटा सा संसार बना लिया।
और मामा आज उस छोटे से संसार का बहुत सुंदर वर्णन करती हैं। ये गीत किस समय का गाया हुआ है? क्योंकि इस संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का ये छोटा सा संसार है। ये हमारा कौन सा परिवार है ये नंबरवार बतलाते हैं। नंबरवार परिवार, फैमिली ट्री बनाते थे ना, कौन ऊंचे थे ऊंचा, फिर सेकंड में कौन, थर्ड में कौन, तो मामा आज इस परिवार की हायरार्की समझाते हैं। वो नंबरवार बतलाते हैं, हम परमपिता परमात्मा शिव के पोत्रे हैं, ब्रह्मा सरस्वती की मुख संतान हैं, और विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं, और हम आपस में सभी भाई बहन ठहरे। कोई विस्तार नहीं, समस्त संसार की सर्व आत्माएं भाई बहन। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु शंकर में ब्रह्मा बाबा मम्मा मात पिता है ना, और विष्णु शंकर ताया जी, और फिर शिव बाबा दादाजी, और हम उनके पोत्रे। ये है अपना छोटा सा संसार, इनके आगे और संबंध रचा ही नहीं है, इसी समय का इतना ही संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितना बड़ी अथॉरिटी से है। हमारा ग्रैंड पापा है शिव, उनका नाम कितना भारी है, वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। कितनी बड़ी अथॉरिटी से हमारा संबंध है, कितना नशा होना चाहिए हम बच्चों को। सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने के कारण उनको कहा जाता है हर हर भोलानाथ शिव महादेव। मामा ने बताया ना, हरता करता है वो, सबके दुख हरते हैं, कष्ट हरते हैं, इसलिए कल्याणकारी होने के कारण हर हर भोलानाथ शिव महादेव, वो सारी सृष्टि का दुख हरता सुख करता है। उस द्वारा हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, परंतु ये दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। हम शांति धाम जाएंगे, वहाँ आत्माओं को कोई कर्म बंधन नहीं होगा, शरीर का भी बंधन नहीं होगा। सत्युग में भी शरीर होगा, संबंध होगा, पर जीवन मुक्त अवस्था होगी। लेकिन सुख और शांति का आधार क्या है? पवित्रता, जो इस समय धारण करनी है। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा लें, पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है, मलेच्छ पांच विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं, जिस अलौकिक कार्य का उजूरा फिर सत्युग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। आज मामा ने बताया ना कि पद और महिमा का आधार कर्तव्य है, तो ब्रह्मा बाबा इस समय कितना बड़ा कर्तव्य करते, जिस आधार से उनको श्री कृष्ण का पद मिलता। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है, इतने ऊंचे थे ऊंच पिता के साथ हमारा संबंध है, तो फिर हमारा कर्तव्य कैसा होना चाहिए, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपने दिल से पूछे, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं। हाँ,
क्योंकि सब कुछ पाने के लिए तो उसे सब कुछ अपना बनाना पड़ेगा ना। तो पूर्ण रीति वर्षा तो उनको मिलेगा जो पूर्ण रीति बाबा के हो चुके हैं। सोचना चाहिए कि जब परमात्मा बाप आया तो उनसे हम कंप्लीट वर्षा ले लेवे। स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना, तो हम पहला नंबर लॉटरी क्यों ना विन करें। ये है विजय माला में पिरोया जाना। बाकी कोई है, आज मम्मा देखो कहती, बाकी कोई कोई है जो दो लड्डू पकड़ कर बैठे हैं। कौन से दो लड्डू? यहाँ का भी हद का सुख ले लो और वहाँ भी बैकुंठ में कुछ ना कुछ सुख ले लेंगे। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, न कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी, है ना। जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों करते हैं? हमें तो मिल रहा है ना, फिर हमें पुराना छोड़ने में इतना कष्ट है, जो विकारी है, जो पतित है, जो पुराना है, जो दुखदाई है, उसे छोड़ने में इतना क्या कष्ट है। मम्मा को समझ नहीं आता कि देने वाला आनाकानी नहीं कर रहा, लेने वाला क्यों करता है। तभी तो गुरु नानक ने कहा, परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं है। कहावत है, देंदा दे लेंदा थक पावे। देने वाला देता है लेकिन लेने वाला थक जाता है। आपके दिल में आता होगा, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम भी ये पद पाएं। परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है और फिर माया कितना विघ्न डालती है। क्यों? अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है। अब माया ने सारा सार निकाल दिया है, तभी परमात्मा आते हैं। अब इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहा है, अल्पकाल का सुख भी नहीं रहा है, इसीलिए बाबा आए हैं। अब मम्मा कहते कि अब तो बाबा का पूरा बन जाना है और पूरा वर्षा ले लेना है। इस असार संसार की तरफ माया जो बुद्धि हमारी फिर से जोड़ देती, उस माया को परास्त करना है। मामा कहते बाबा में सब रस समाया हुआ है, उनसे सभी संबंधों की रसना मिलती है। तभी त्वमेव माताश्च पिता बंधुश्च सखा का गायन है। ये महिमा उस परमात्मा की गाई हुई है, तो बलिहारी इस समय की है जो ऐसा संबंध हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, ऐसा संबंध बनने का समय अभी आया, अब हमें इस समय को व्यर्थ नहीं गंवा देना है। तो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाए। ये है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। ऐसे नहीं सोचना कि 21 जन्म के लिए इतना इस समय पुरुषार्थ भी करें फिर भी 21 जन्मों के बाद गिरना ही है तो सिद्धि क्या हुई। हाँ, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि बहुत अलग तरह से चलती है। आप देखो दुनिया में किसी को आजीवन कारावास होता है, तो होता तो 14 साल के लिए ही है ना, लेकिन कोई ऐसा कहता है 14 साल ही तो जाना है जेल में, फिर तो निकल ही जाना है? नहीं कहते ना, क्योंकि 14 साल बहुत होते हैं, उसके आगे की बात सोचने की भी नहीं आती। तो बाबा कहते 21 जन्म का वर्षा मैं तुम्हें दे रहा हूँ। पर कई ऐसे होते हैं जिनको माया की इतनी खींच हो रही होती है जो कहते हैं 21 के बाद तो गिरना है। हाँ, तो मम्मा कहते हैं ऐसी बुद्धि नहीं चलानी है।
परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो तो मिलेगी ना, ये एक जन्म में 21 जन्म से ज़्यादा तो भाग्य नहीं बना सकते ना। बाप आकर के हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देता है, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो ज़रूर गिरेंगे, क्योंकि सतयुग से बाबा याद नहीं रहेगा तो गिरने की भी नोंद है। इसमें बाप का कोई दोष नहीं है, अब कमी हुई तो हम बच्चों की, क्योंकि वहाँ विस्मृति हो जाती है। सतयुग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ पर आधार रखता है, तो क्यों ना संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पार्ट बचाएं, क्यों ना पुरुषार्थ कर वो वर्षा लेवें। पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए ही करता है, सुख दुख से न्यारा होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता है, पुरुषार्थ सुख के लिए किया जाता है, कोई वैराग के लिए पुरुषार्थ नहीं किया जाता। तो क्योंकि सब कहते हैं ना मुक्ति में जाने का पुरुषार्थ, तो मुक्ति के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया जाता, क्योंकि सुख भी नहीं है दुख भी नहीं है, वहाँ जाना क्यों है। पुरुषार्थ तो सुख के लिए करना होता है, क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा को सुख की आस रहती है। तो मामा कहते हैं कि वो तो ड्रामा के अंत में परमात्माएं सभी आत्माओं को सजा देकर पवित्र बनाए पाठ से मुक्त करेंगे ही, ये तो परमात्मा का कार्य है, वो अपने मुकर्रर समय पर आप ही आकर बताता है। तो मुक्ति में तो बाबा वैसे ही ले जाते हैं, पुरुषार्थ तो करना है सुख स्वरूप बन सुख की दुनिया में जाने का। अब जब आत्माओं को फिर भी पाठ में आना ही पड़ेगा तो क्यों ना सर्वोत्तम पाठ बजाएं, है ना, जितना ऊंचे ते ऊंचा पॉसिबल है उतना सुख तो लें। अच्छा, मीठी मीठे बच्चों प्रति माँ का याद प्यार, ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे सिकेला दे मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, ओम शांति। वरदान है बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भव। कोई भी परिस्थिति जो भल हलचल वाली हो लेकिन बाबा कहा और अचल बने। लेकिन पुरुषार्थ किस चीज़ का है कि बाबा इतना याद रहता हो हमेशा, जो परिस्थिति के समय बाबा याद आए। क्योंकि होता यही है कि क्योंकि दिन भर माया माया करते रहते हैं तो परिस्थिति के समय भी माया माया ही करते हैं, ये क्यों आई, ये कैसे आई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो माया माया करते हैं। पर बाबा कहते हैं याद किससे करना है, बाबा को। जब परिस्थितियों के चिंतन में चले जाते हो तो मुश्किल का अनुभव होता है, अगर कारण के बजाय निवारण में चले जाओ, बाबा याद आता तो बाबा का ज्ञान भी याद आता, बाबा के गुण और शक्तियाँ भी याद आते, अपनी स्व की योग्यताओं की भी स्मृति आ जाती, और ज्ञान तो सारा है ही निवारण का ज्ञान। तो जैसे ही बाबा याद आता तो बाबा तो निवारण की चाबी है, तो कारण ही निवारण बन जाए, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान ब्राह्मणों के आगे परिस्थितियाँ चींटी समान भी नहीं है। सिर्फ क्या हुआ क्यों हुआ ये सोचने के बजाय जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ है, सेवा समाई हुई है, भले रूप सरकमस्टेंस का हो लेकिन समाई सेवा है, इस रूप से देखेंगे तो सदा अचल अडोल होंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब दादियों को कोई शारीरिक कष्ट आता है तो दादियाँ ऐसे नहीं कहते कि ये कष्ट क्यों आया, ये विघ्न क्यों आया, कहते डॉक्टर की सेवा का टाइम हुआ है। तो भले रूप सरकमस्टेंस का है
लेकिन स्मृति आ जाए कि सेवा समाई है, तो फिर क्या होता, खुद भी अचल अडोल हो जाते और विघ्न की ताकत भी खत्म हो जाती। स्लोगन, एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ नहीं सकते। किसी आत्मा से गुण शक्ति गुण लेना वो अलग, विशेषता देखना अलग, लेकिन प्रभावित नहीं होना, क्योंकि जिस पर बाबा का प्रभाव है उसको पता है कि इस आत्मा में जो भी गुण हैं वो रचता के ही गुण हैं, इसलिए उसको रचना को देखते रचयिता याद आए, आत्माओं पर प्रभावित ना हो। ओम शांति।